Hi, my name is Aditya Sarpotdar and you're watching me on Filmy Beat. मैं एक इंसिडेंस बताऊंगा आपको कि मैं मेरे एक्टर के साथ थिएटर विजिट पे गया था और काफ़ी सारे बच्चे आए थे वहाँ पे थिएटर फिल्म देखने के लिए और 6-7 साल के बच्चे थे. फोटो प्लीज निकाल सकते हो. तो अभय ने पोस्ट किया और वो बच्चे उसके नज़दीक आए नहीं और अभय ने पूछा क्या प्रॉब्लम है क्या. तो वो बच्चे बोले नहीं आपके पीछे से वो जो था ना वो मेरे लिए इतना अमेजिंग था कि बच्चों ने वो बिलीव कर लिया और दे वॉट इन टू दिस होल वर्ल्ड. तो जिस दिन हमारा प्रेशर रखा गया था दैट वाज अमावस एंड आई स्टे क्वाइट फार फ्रॉम योर तो मुझे पहुंचते पहुंचते घर 12:30 बज गए थे एंड आई वाज राइडिंग एंड आई वाज लाइक बस पीछे से कोई आना चाहे. 7 जून को हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं, 6 तारीख को प्रेशर था और उन्होंने 6 को अमावस किया था. व्हाट बेटर टाइम टू रिलीज. प्रोड्यूसर्स उस फिल्म को लेके गए थे आलिया के पास एंड देन उसके बाद श्वेता के पास. इसी रीजन के लिए आई डिडंट वांट टू डू मोर स्टार बिकॉज़ वो रिलेटेबिलिटी मिस हो जाए. लेकिन मेरे लिए रिलेटेबिलिटी ऑफ मुंजा ज़्यादा इम्पोर्टेंट. स्त्री जिस फेज में आई थी ना जो प्री पैंडमिक का एरा था वो टाइम भी अलग था. जो उस टाइम में मुंजा आई है वो टाइम भी बहुत अलग. बट स्त्री डेफिनेटली इज अ फिल्म दैट हैज सेट अ स्टैंडर्ड, अ वेरी हाई स्टैंडर्ड. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट. दिस इज मुर्तजा इकबाल एंड आज मेरे साथ है एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने अभी अभी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आदित्य सरपोतदार हु इज हियर विद अस टुडे, द डायरेक्टर ऑफ मुंजिया, जो आई थिंक 4th या 5th वीक में है फिल्म बट अभी भी पब्लिक देखने जा रही है चाहे कितनी भी नई फिल्में आ जाए. थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि 4th वीक में हम फिल्म लेके आए एंड इन द 4th वीक लास्ट जो संडे था 3-4 दिन पहले जहाँ पे मैं मेरे दोस्तों के साथ फिल्म देखने वापस गया था इन द थिएटर. आई वाज ओवरवेलम्ड टू सी कि थिएटर पैक था और 4th संडे को थिएटर फुल होना एक ऐसी फिल्म के लिए जिसके पूरे रन के दौरान 2-3 बड़ी हिंदी फिल्म भी आ चुकी है, कल की इतनी बड़ी मैसिव मेगा स्टारिंग फिल्म आ चुकी है, ये देखना बहुत ही अमेजिंग फिल्म था. करेक्ट. यू नो ऑफ कोर्स आज जैसे हम बात कर रहे हैं इट्स 100 करोड़ नेट इट हैज क्रॉस. हाउ डू यू फील अबाउट दैट व्हेन यू हियर ओके ब्लॉकबस्टर लोग इस फिल्म को ये वाला टैग दे रहे हैं. सी आई एम वेरी हैप्पी अबाउट वन थिंग दैट क्या हो रहा है ना, देखो फिल्म बनाते वक्त हमें नंबर्स के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था. जी. फिल्म बनाते वक्त हमने यही सोचा था कि एक ऐसी फिल्म बनाए जो लोगों को पसंद आए, एक ऐसी फिल्म बनाए जो थिएटरिकल एक्सपीरियंस हो, एक बड़े पर्दे पे आके लोगों को देखने में मजा आए. और जब भी फिल्म रिलीज करने का टाइम आया था तभी रिलीज के वक्त भी मुझे याद है मैं प्रोड्यूसर या एक्टर्स के साथ बातें करता था. हम यही होप कर रहे थे कि फ्राइडे सैटरडे संडे को एक बेसिक ऑडियंस आए जो ऑडियंस फिल्म को पसंद करे और वो फिर घर जाके अपने दोस्तों को और फैमिली को बताए फिल्म के बारे में. क्योंकि हम टोटली बैंक कर रहे थे वर्ड ऑफ माउथ पे. ये फिल्म भी ऐसी है जो चलेगी तो वर्ड ऑफ माउथ से ही चलेगी बिकॉज इसमें एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए हमने. पर जब फ्राइडे को इतने बड़े नंबर पर लोग आए और फिर सैटरडे और बढ़ा और फिर संडे और बढ़ा और फिर वो नंबर बढ़ते गया, इन अ वे हम बहुत प्लेजेंटली शॉक थे कि ये लोग आए कहाँ से एकदम. क्योंकि ये 2 हफ्ते के प्रमोशन की फिल्म थी. यस ट्रू. आपको मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि 21 मई को मैंने टीजर डाला था, 19 मई तक या 20 मई तक फिल्म के बारे में हार्डली टीम हमारी जो छोड़ी तो किसी को पता भी नहीं था. और ऐसी फिल्म जो 2 हफ्ते के प्रमोशन में इतना बस क्रिएट कर लेती है और फ्राइडे को एक इतनी बड़ी ओपनिंग मिला लेती है, आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. या बिकॉज़ एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड उन्होंने वही बात की दैट इट्स नॉट इवन कि आप लोगों ने कोई सिटी टूर्स वगैरह किए थे. एक्टर्स ने भी मुंबई भी प्रमोशंस किए थे ऑफ कोर्स एंड आफ्टर पोस्ट रिलीज आई थिंक यू गाइस स्टार्टेड डूइंग इट. यस. तो वो एक अमेजिंग चीज थी कि इट प्रूव दैट कंटेंट स्पीक्स, इट्स नॉट अबाउट ओवर प्रमोशंस आल्सो. यू नो वी रियलाइज कि लोग डिसाइड करते हैं ट्रेलर या पोस्टर देख के कि ये फिल्म देखनी है ना देखनी है. आई थिंक लोगों ने ना अपना मन बना लिया था फिल्म के ट्रेलर के बाद. और प्रमोशन तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको लोगों तक फिल्म पहुंचानी भी पड़ती है. बट वो क्या होता है ना, कितना भी आप प्रमोट कर लो अगर लोगों को फिल्म नहीं देखनी है तो फिल्म नहीं देखनी है. अगर लोग डिसाइड कर लेते ट्रेलर में ही तो आप भले ही प्रमोशन में थोड़ा कम भी पड़ गया ना तो भी लोग ढूंढ के वो फिल्म देख लेंगे. तो मुझे लगता है मुंजा के बारे में ये वही हुआ है कि वर्ड ऑफ माउथ जो है फिल्म का वो मंडे को इतना बढ़िया था कि देखो जब भी मंडे आपका फ्राइडे इतना ही बड़ा होता है ना, जो एक्चुअली मंडे बहुत लो रहता है बिजली के कारण, तो वो बड़ा बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जो हमें दिख गया कि हमारा मंडे फर्स्ट मंडे और फर्स्ट फ्राइडे सेम था. करेक्ट. एंड आई थिंक दैट प्रूव्स कि लोग फ्राइडे को बाहर निकल के इमिडिएटली दोस्तों को बोल रहे थे या फैमिली में ये बात हो रही थी कि मुंजा देखो बिकॉज वो एंटरटेन कर रही है.
करेक्ट. यू नो ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू नो कि फर्स्ट सीजीआई एक्टर हमारी मूवी इंडियन लाइक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना अगर मैं बात करूँ तो वीएफएक्स को लेके लोग बहुत ही स्पेशली इवन ऑडियंस मतलब एक चीज कुछ रॉन्ग हो गई तो आई थिंक मीम्स एंड ट्रोल्स तो फुल हो जाता है सोशल मीडिया पे. हाउ प्रेशराइज्ड और नर्वस यू वर टू मेक द फर्स्ट सीजीआई एक्टर लाइक मुंजिया टू गेट ऑन द बिग स्क्रीन एंड कितना डिफिकल्ट था यू नो टू वर्क ऑन इट. प्रेशराइज्ड नर्वस नहीं बोलूंगा पर आई वुड से रिस्पॉन्सिबल लगता लग रहा था कि अगर आप ऐसी कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट. करेक्ट. देखो ऑनेस्टली फिल्म इतनी बड़ी बजट की भी फिल्म नहीं थी जहां पे मैं सीजीआई ऐसे कर रहा था कि लोगों ने जो कभी लाइफ में देखा ही नहीं. करेक्ट. और अभी जब लोग इंटरनेशनल कंटेंट देख रहे हैं अभी जब लोग इवन इंडियन सिनेमा में कंटेंट जो देख रहे हैं जो इतना स्केल्ड अप है और जो इतना आई थिंक वीएफएक्स से बहुत बड़ा होता है विजुअली दिख रहा है उस स्पेस में मुंजा जैसी फिल्म लाना वॉज नॉट अ रिस्क और अ चांस बट एन एक्सपेरिमेंट. और मैं कहूँगा हमारी एक्सपेरिमेंट ये थी कि कैसे कैरेक्टर आपको दे जो कैरेक्टर आपको देख के मजा आए जो कैरेक्टर ऐसी दुनिया से आता है जो फोकलोर से फैंटास्टिकल एलिमेंट्स को लेके आता है और ऐसी छोटी छोटी वर्ल्ड या पॉकेट्स बनाए फिल्म में जो आपको ना कुछ ऐसे दिखाए जो आपने कभी देखा ही नहीं था जैसे चेटुकवाड़ी है फिल्म चेटुकवाड़ी जहाँ से मुंजा आता है वो चेटुकवाड़ी जो है वो पूरी फैंटेसी से बनाई हुई है. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या था कि मैं आपको जितना हो सके उतनी वो दुनिया रियल बना के दिखाओ जो आपको लगे कि यार ये भी दुनिया है या जो कैरेक्टर आए जो फिल्म में आए मुंजा आपको लगे कि ये ऐसा मॉन्स्टर है. तो यही अटेम्प्ट स्केल्ड अप लार्जर देन लाइफ विजुअल इफेक्ट्स ये तो कभी प्लान ही नहीं था. जितना रियल जा सके उतना विजुअल इफेक्ट्स करने का प्लान था और आई थिंक हमने काफी सिंपल प्ले किया उसको बिकॉज हम रियलिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे थे स्केल छोड़ के. तो मुझे लगता है कि ऑडियंस ने ना उसको बहुत ज्यादा बिलीव और प्यार दिया है. मैं एक इंसिडेंट्स बताऊंगा आपको कि मैं मेरे एक्टर के साथ थिएटर विजिट्स पे गया था और काफ़ी सारे बच्चे आए थे वहाँ पर फिल्म देखने के लिए और 6-7 साल के बच्चे थे और उनके पेरेंट्स भी थे तो उन्होंने मेरे एक्टर को अभय को देख के बच्चों को बोला कि फोटो प्लीज़ निकाल सकते हो. तो अभय ने पोस्ट किया पर वो बच्चे उसके नज़दीक आए नहीं और अभय ने पूछा क्या क्या प्रॉब्लम है क्या. तो वो बच्चे बोले नहीं आपके पीछे से तो मुंजा से हमें डर लगता है पीछे से आएगा. तो वो जो था ना वो मेरे लिए इतना अमेजिंग था कि बच्चों ने वो बिलीव कर लिया और दे बॉट इनटू दिस होल वर्ल्ड दैट वी क्रिएटेड. सो दैट वाज द ऑल द अटेम्प्ट और द फोकस ऑफ आवर वीएफएक्स टीम एंड आई थिंक टू ग्रेटर एक्सटेंट वी अचीव्ड इट. ओके लाइक इवन मैं भी डर गया था पिक्चर देख के बिकॉज़ एक तो जिस दिन हमारा प्रेशर रखा गया था दैट वाज अमावस एंड आई स्टे क्वाइट फार फ्रॉम योर तो मुझे पहुंचते-पहुंचते घर 12:30 बज गए थे एंड आई वाज राइडिंग एंड आई वाज लाइक बस पीछे से कोई आ ना जाए. यू नो ये डर अमावस की बात की ना वो हमारा एजेंडा ही था. हम वी आल्सो रियलाइज कि अरे 7 जून को हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं 6 तारीख को प्रेशर था और बोले 6 को अमावस्या है तो व्हाट बेटर टाइम टू रिलीज दिस फिल्म. हां मैं वही बोल रहा हूं मैं खुद डर-डर के पहुंचाऊं घर कि बस पहुंच जाओ घर. You know, I would like to know कि अभय actually one of the interviews he revealed कि you know this movie was supposed to be with a female lead where Alia and Shraddha was supposed maybe supposed to do. What made you change it to a male lead and क्या आपने actually Alia और Shraddha को ये approach किया था for the movie? तो ये actually ना मैं जब भी on board आया उसकी पहली की बात है. अच्छा okay. मुंजा internally develop हो रही थी काफी time के लिए. जी. मेरे जो इस film के writer हैं योगेश सांधे जी वो film लिख रहे थे और उस phase में producers उस film को लेके गए थे आलिया के पास एंड देन उसके बाद श्रद्धा के पास बिकॉज तभी बिट्टू जो कैरेक्टर था वो फीमेल कैरेक्टर था जो प्रोटैगनिस्ट थी वो लड़की थी. योगेश ने उसको वैसे लिखा था उसने वो फिल्म जैसे इमेजिन की थी वैसे की थी. मैं बचपन से मुंजा की स्टोरीज सुनते आ रहा हूँ और मुझे हमेशा कोंकण में जब भी मैं गाँव जाता था तभी मुंजा की स्टोरीज बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी. तो मेरे लिए जब ये फिल्म मुझे अप्रोच की गई तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी वो मुंजा था. मैंने जब भी कंतारा देखी या तुम्बार देखा था तो मुझे ऐसे लगा था कि ऐसी कितनी स्टोरीज मेरे गांव की भी है जो लोगों को पता ही नहीं है और वो उसमें मुंजा था. तो इस पहली मीटिंग में मैडम के ही मैंने उनको बोला था कि ये सब्जेक्ट जो मुंजा का है ना उसमें मुझे तो फिल्म आपके साथ बनानी है एंड दे अग्रीड. पर मेरे एक पॉइंट था कि मैं वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट का एंगल समहाउ नहीं समझ पा रहा था क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि फिल्म में ना वो दो पैरेलल्स में देख रहा था कि एक तो बिट्टू जो लड़का है जिसको 6 साल बड़ी लड़की से प्यार है और एक मुंजा जो भी बच्चा लड़का है जिसको भी 6 साल बड़ी मुन्नी से प्यार है. तो ऐसे दो लड़कों की नैरेटिव्स जो आपको कंसेंट के बारे में बताती है जो आपको प्यार के बारे में बताती है और एक लार्जर पिक्चर क्रिएट करती है जब भी आप दोनों को पैरेलली देखती हो. तो मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट था कि मैं एक ऐसी स्टोरी बताऊं जो मुझे समझ में आए जो मुझे कॉन्फिडेंटली बताने की मैं और एक कॉन्फिडेंस हो और
उस पॉइंट पे मैंने वो प्रोड्यूसर को बताया और ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि लेट्स चेंज और उसको लड़का बना दे. या बट इन दैट आल्सो व्हेन यू चेंज इट कहीं आपको लगा नहीं कि यू नो एक रिलेटिवली न्यू कमर को लेने से अच्छा मैं किसी स्टार को ले लूं बिकॉज़ एट लीस्ट दैट विल समवे ऑन द अदर हैंड यू नो हैव अ बिगर ओपनिंग. यू नो इन फैक्ट मैंने इसी रीजन के लिए आई डिडंट वांट टू गो टू अ स्टार बिकॉज़ वो रिलेटेबिलिटी मिस हो जाएगी. लाइक मेरे लिए रिलेटेबिलिटी ऑफ मुंजा ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. क्या हो जाएगा ना, मुंजा पोस्टर पे उसके साथ कोई स्टार को देखते हो ना तो फिल्म वो स्टार की बन जाती है, मुंजा की नहीं रहती. फॉर अस फ्रॉम डे वन मुंजा वॉज अ स्टार एंड वी न्यू कि इस फिल्म का सबसे बड़ा हीरो या इस फिल्म का सबसे बड़ा प्रोटैगनिस्ट और ड्राइंग फैक्टर ये मुंजा ही होगा. तो फॉर अस मुंजा के अराउंड जो सारे लोग थे जो कास्ट किए थे वो उस दुनिया को रियल बनाने के लिए कास्ट किए थे जो ऑथेंटिक लगे, जो उस दुनिया के लगे. जो अगर मराठी अज्जी है तो मराठी ही एक्ट्रेस बनेगी जो अज्जी है, अगर पंजाबी माँ है तो पंजाबी ही एक्ट्रेस बनेगी जो माँ है. तो मेरे लिए वो बहुत क्लियर था कि मैं उस दुनिया को ऐसे कास्ट करूँ कि मेरा मुंजा उसमें फिक्शनल है, सीजी है, पर बिकॉज वो दुनिया इतनी रियल है वो रियल लगे. और वो चांस लिया गया. वो मैं एक्चुअली क्रेडिट प्रोड्यूसर का भी बोलूंगा कि उन्होंने एक बड़े फिल्म में एक न्यू कमर के साथ yes. फिल्म को लॉन्च और एक्चुअली वो थिएट्रिकल में लेके गया. क्योंकि वो ऐसी फिल्में बहुत इजीली ओटीटी पे आ सकती थी, बट ही बिलीव दैट मेरा विजन और फिल्म का स्केल ये थिएट्रिकल के लिए परफेक्ट था. करेक्ट. यू नो ऑफकोर्स आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि कहीं ना कहीं जो भी हॉरर कॉमेडी फिल्म आ जाती है वो स्त्री से कंपेयर हो जाती है. एंड राइट नाउ ऑफकोर्स आफ्टर स्त्री अगर एक्चुअली कोई फिल्म जो इतने बड़े लेवल पे हिट हुई है वो है मुंजिया. सो नाउ बट डू यू थिंक कि स्त्री को पार कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पे? स्त्री वॉज 129 नेट. सी स्त्री जिस फेज में आई थी ना फिल्म, जो प्री पैंडमिक का एरा था, वो टाइम भी अलग था. जिस टाइम में मुंजिया आई है वो टाइम भी बहुत अलग है. मैं कंपेयर अगर आप फिल्म की करोगे तो आप फिल्म को कंपेयर वैसे नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही बहुत अलग है, दुनिया बहुत अलग है. बट स्त्री डेफिनेटली इज अ फिल्म दैट हैज सेट अ स्टैंडर्ड, अ वेरी हाई स्टैंडर्ड इन दिस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स. मेरे लिए स्त्री के पहले द ओनली फिल्म आई न्यू जो इस जॉनर की थी वो भूलभुलैया थी. उसके बाद स्त्री आई, फिर भूलभुलैया का सीक्वल आया, अभी उसका थर्ड पार्ट भी आ रहा है. तो ये धीरे धीरे ना ये जॉनर बिल्ड हो रहा है और मुझे लगता है कि इस जॉनर को बिल्ड करने में स्त्री का बहुत बड़ा हाथ रहा है. तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते एक ट्रेंड सेटर से, एक ऐसी फिल्म जो अभी जस्ट उस दुनिया की एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है. तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि क्वालिटी कंपैरिजन में मुंजा और स्त्री बहुत अलग है. स्त्री बहुत ही बड़े लेवल पे ट्रेंड सेटिंग फिल्म बन चुकी है और मुंजा उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्त्री की तरफ जा रही है. नंबर्स के हिसाब से अगर आप बोलोगे तो इस टाइम में जब भी पोस्ट पैंडेमिक लोग थिएटर में जा ही नहीं रहे, जैसे उसके आजू बाजू की जो फिल्में हैं मुंजा की वो आपने देखा है कि उसके नंबर्स क्या है. उसके पहले भी हमारा अप्रैल और मई का महीना काफी डेड था बॉक्स ऑफिस पे. ऐसे टाइम पे मुंजा जिसमें एक भी स्टार नहीं है, जिसमें एक भी नोन फेस नहीं है, ऐसी फिल्म को 100 करोड़ के ऊपर कलेक्शन करना, आई थिंक वो एक अलग ही लेवल पे मुंजा को रखती है. और मैं ऐसे कंपेरिजन इसीलिए नहीं करना चाहूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्यार अभी मुंजा को मिला है वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के बहुत परे है. और आई जस्ट कैन नॉट बी ग्रेटफुल इंस्टेड ऑफ कंपैरिजंस आई वुड फील कि एज अ टीम वी आर सेलिब्रेटिंग दिस, क्योंकि स्त्री भी हमारी फिल्म है, मैडॉक की है, और मुंजा भी हमारी फिल्म है, भेड़िया भी हमारी फिल्म है, और उसके बाद अभी स्त्री 2 आ रही है. तो एक सेंस ऑफ सेलिब्रेशन, सेंस ऑफ एंटिसिपेशन बहुत हाई है और एक एनर्जी बहुत हाई है. वॉइस ऑफ मुंजिया कौन था वो, मतलब जिन्होंने डब किया था? तो एक्चुअली लोगों को ये पता नहीं है, जिस लड़के ने मुंजा यानी बचपन का उसका गुंत्या जो प्ले किया था, जो मरता है और मुंजा बनता है, उसी लड़के ने मुंजा परफॉर्म किया है. ओह वाओ. तो जो फेशियल एक्सप्रेशन से, जो फिजिकल मूवमेंट से, जो वॉइस है, वो पूरा का पूरा वो लड़का है. और उस लड़के के साथ हमने पोस्ट में बहुत काम किया, पर ये पूरी मेहनत उस लड़के की है. और उस वॉइस को हमने एक्चुअली प्रोसेस किया नहीं है, उसका ओरिजिनल वॉइस है. ओह वाओ. उसने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से अपना वॉइस को मॉड्यूलेट करके डब किया है.